आदित्य ठाकरे का शिंदे पर करारा वार शिंदे ने भी दिया जवाब ठाकरे का दावा महाराष्ट्र की सरकार चंद दिनों की मेहमान भी नहीं शिंदे का आदित्य को जवाब लोकतंत्र में कोई भी कहीं से लड़े आदित्य की तरह चांदी की चम्मच लेने पैदा नहीं हुए शिंदे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट आमने सामने बने हुए हैं दोनों ही लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं एक दूसरे की घेराबंदी में जुटे हैं सवाल किए जा रहे हैं जवाब भी दिए जा रहे हैं आदित्य ठाकरे ने एक शिंदे को वरली से चुनाव लड़ने की चुनौती दी तो शिंदे ने जवाब देते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र है लोकतंत्र में कहीं से भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है लेकिन ये जनता तय करती है कि वो किसे चुनेंगे किसे जिताना है और किसे हटाना है एक नाथ शिंदे ने कहा कि जिस समय आदित्य ठाकरे का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से मैं राजनीति में हूँ जब आदित्य का जन्म हुआ तब मैं बाला साहेब और आनंद धीगे के नेतृत्व में शाखा प्रमुख के रूप में काम कर रहा था शिवसेना को बड़ा बनाने के लिए मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया मैं उन लोगों के बारे में क्या कहूंगा जो सोने का चम्मच लेकर आते हैं संकेत सीधे सीधे आदित्य ठाकरे की ओर था जिन्हें सीधे ता मिले दूसरी और एकनाथ शिंदे के करीबी दीपक केसरकर ने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा है केसरकर ने कहा कि हमें प्रचार की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों का काम करते हैं मैं कोल्हापुर का प्रभारी मंत्री हूं और इस नाते इलाके में बदलाव की की कोशिश कर रहा हूं। मुझे किसी भी तरह की मार्केटिंग या प्रचार नहीं चाहिए क्योंकि हमारा काम बोलता है लेकिन आदित्य ठाकरे को मार्केटिंग की जरूरत है आदित्य ठाकरे एनडीए सरकार में ढाई साल से ज्यादा मंत्री रहे उन्होंने कुछ काम नहीं किया मुंबई की हवा भी साफ नहीं रख सके आज मुंबई की

महाराष्ट्र में राम राज्य स्थापित करने के लिए श्री राम के आशीर्वाद की, की आवश्यकता होगी तो हम प्रभु राम के आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि हम लोग पहले भी अयोध्या जाना चाहते थे लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे ने इसकी इजाजत नहीं दी थी लेकिन अब एक शिंदे ने हम सभी को अयोध्या जाने के लिए सुनिश्चित कर दिया है केसरकर कर के के नहीं करते हैं कमिश्नर अपने कार्यालय में नहीं रुकते क्योंकि वो मुख्यमंत्री के आदेश ले रहे हैं एक व्यक्ति ने स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षा के कारण राज्य को अंधकार में डाल दिया है देश विरोधियों की यह सरकार चंद सालों की नहीं चंद महीनों की नहीं चंद घंटों की है यह पतन की ओर जा रही है के बाद जो आईएएस आईपीएस अधिकारी सरकार की मदद कर रहे हैं उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे आदित्य ठाकरे ने सीधे-सीधे अधिकारियों को चेतावनी ही दे दी कि वो संभलकर काम करें सरकार के दबाव में नहीं क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ज्यादा समय के लिए नहीं है अगले साल के आखिर में वैसे भी विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन ये सरकार कार्यकाल पूरा कर पाएगी कभी भी सरकार गिर सकती है इसको लेकर संचय नहीं होना चाहिए इसलिए अधिकारी एकनाथ शिंदे के लिए अपने करियर को दाव पर नहीं लगाएं आदित्य ठाकरे की चेतावनी और उस पर एकनाथ शिंदे और उनके करीबी केसरकर का जवाब बता रहा है कि शिवसेना के दोनों गुटों के बीच आने वाले समय में लड़ाई और तेज होगी वैसे भी बीएमसी चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और बीएमसी चुनाव तय कर देगा कि उद्धव ठाकरे कितने ताकतवर बने हुए हैं